एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और साथ में खेलते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गाँव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुँच गए। उस गाँव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद भी उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वो बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो घबरा गया। वो सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत ही उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से वो बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा लड़का भी चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा इधर उधर दौड़कर देख लिया लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी मिल नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वो बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी को बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते हो, ये नहीं हो सकता है। उस 8 साल के लड़के ने कहने लगा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींच कर बाहर निकाला। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींच कर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे थे, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींच कर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण थे। पहली बात तो ये कि इसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जिंदगी में आप सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बातें याद रखिए। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है, और दूसरा, जब आपके आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बात को मत सुनो। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूँ आप सबसे पहले सुन पाए। धन्यवाद।